दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषय की स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों के वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों को बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो, अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला ज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा, इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान के चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है, कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं, उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है, उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है, गले में कस्तुभ भमनी लटक रही है, वक्ष स्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है, वे कमर में करधनी अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके बालों की लट बहुत चिकनी निर्मल घुंघराली और नीली है, उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठाक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनंत प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे, तदनंतर अपने निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे, फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है, अहंकार महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं।
और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदनंतर दो आँख, दो कान, दो नासा छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल्य में स्थित वायु को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को ही रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी की बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिमय मार्ग सुष्टमुना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वो वहां से ऊपर भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वो लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो प्रारब्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वो यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वो योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए सात आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वो ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राण इंद्रिय गंधत्तन मात्रा में, रसना रसतन मात्रा में, नेत्र रूपतन मात्रा में, त्वचा स्पर्शतन मात्रा में, श्रोत शब्दतन मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रियाशक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वो योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदुक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योग मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने
एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है, वह इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपने संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं।